हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। और कल को एक क्रूड अभी भी जिस स्तर पर है 75.91, आज रात को अगर 76 के ऊपर भी 76.20 के ऊपर बंद आ गया कि पूरी की पूरी थीसिस यहां से रिवर्स हो सकती है, कि क्रूड वापस 85 की तरफ जा सकता है। अगर इस तरह का बंद देता है, नहीं देता है, देखिए ट्रेडिंग में रोज हर घंटे में स्टॉप लॉस और लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं। ब्रॉड बात करें कि जो इस जोन पे हम क्रूड में थे कि तेल का तेल निकल जाएगा, तो एक राउंड उसका हो लिया। अब उस व्यू पे अब यहां से और अग्रेशन लेना ठीक नहीं है। एशियन पेंट्स, बर्जर, इन सब में लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की जो मूव को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साल भर में मुझे एशियन पेंट्स 4200 का भाव भी दिखता है, पर अभी से एकदम चढ़ के ले जाए वैसा लग नहीं रहा। लगता है वापस बड़ा डिप मिलेगा, हो सकता है 150 रुपया नीचे भी एशियन पेंट्स मिल जाए, तो वो भय है। यहाँ पे एक बार रीबाउंड बन सकते हैं क्रूड में और बाकी के स्टॉक्स में पुल बैक, तो हम थोड़ा इसको आराम से अभी यहाँ पे देखेंगे।